हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल क्रिएटिव वर्षना में। सो दोस्तों, हर मॉर्निंग हम सोचते हैं कि हम कुछ अच्छा और चटपटा नाश्ता करें जिससे कि हमारे दिन की शुरुआत अच्छी हो सके, लेकिन हम सोचते हैं और हमारे समझ नहीं आता हम क्या बनाएं। आपकी इसी प्रॉब्लम का सलूशन मैं लेके आई हूँ, जो बड़ों को और बच्चों को दोनों को ही पसंद आता है, वो है छोले भटूरे। तो चलिए हम एक टेस्टी सा छोले भटूरे आपके सामने बनाते हैं और उसकी रेसिपी देखते हैं। उसके लिए हमें चने को 6 से 8 घंटे के लिए भिगो के रखना है और उसको फिर हम बॉईल कर लेते हैं कुछ इस तरह से। और हमें छोले बनाने के लिए सबसे पहले हम प्याज को बारीक काट लेंगे कुछ इस तरह से, और दालचीनी ले लेते हैं तड़के के लिए, और तेज़पत्ता भी ऑप्शनल है, आप ले सकते हैं। एक प्यूरी बना लेते हैं टमाटर लहसुन अदरक और मिर्च का कुछ इस तरह से। अब हम एक कढ़ाई में तेल डाल दिए हैं, ये देखिए हो गया। और उसको होने के बाद हम दालचीनी और तेज़पत्ता डाल के इसको पकाते हैं। दोस्तों ये जीरा ऑप्शनल है, जीरा मुझे और मेरी फैमिली को पसंद है इसलिए मैंने डाला, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। इस तरह से प्याज को डार्क ब्राउन तक इसे फ्राई करें कुछ इस तरह से। इसको चलाते हैं, ये देखिए कुछ इस तरह से। अब हम इसमें टमाटर लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देते हैं, हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। अब इसको हम कुछ टाइम तक पका लेते हैं दोस्तों। चलिए अब हम भटूरे के लिए डो तैयार कर लेते हैं सबसे पहले, और इसको मीडियम फ्लेम पे रख देते हैं पकने के लिए। ये देखिए मैदा, उसमें 4 से 5 चम्मच आप दही यूज़ कीजिए। दही यूज़ करने से ये सॉफ्ट भटूरे सॉफ्ट बनते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से डो तैयार कर लेते हैं, और हम इसको रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं 5 मिनट के लिए। और ये देखिए हमारा मसाला भी पक गया है ऑलमोस्ट। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस डाल लेते हैं, ये छोले मसाला है, तीन से चार चम्मच आप डाल दीजिए। आप चाहे तो इसको कम भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। इसको हम ऐसे हिला लेते हैं कलछी के मदद से, पूरे मसाले को प्याज और टमाटर पेस्ट में मिक्स कर लेते हैं। ये कश्मीरी लाल मिर्च दोस्तों 1 चम्मच डालते हैं, इससे छोले का कलर बहुत अच्छा आता है। ये कलर के लिए यूज़ होता है बेसिकली, और अगर आपको ज़्यादा तीखा खाना पसंद है तो आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं इसमें। मैंने यूज़ नहीं किया है क्योंकि मेरे घर में बच्चे भी हैं। ये देखिए मसाला हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से पक गया है, इसमें तेल ऊपर आ गया है। हमें तभी पता चलता है कि हमारे मसाले अच्छे से हो गए जब इसमें तेल ऊपर आ जाता है और ये सुनहरा दिखने लगता है। अब हम इसमें ये चने मिला लेते हैं। हमने चनों में नमक डाला हुआ था, तो आप नमक जब भी डालें तो उस हिसाब से डालिए।
अब हम चलिए भटूरे फ्राई करते हैं। एक कढ़ाई में तेल डाल लेते हैं और उसको कुछ टाइम तक होने के लिए छोड़ते हैं। हमारा तेल ऑलमोस्ट गर्म हो गया है। चलिए अब हम भटूरे को बेल लेते हैं कुछ इस तरह से। आप चाहे तो इसको गोल और लंबा किसी तरफ से भी बना सकते हैं। मैं इन भटूरे को लंबे बना रही हूँ। अब चलिए धीरे से उठाते हैं इसको और ये इस तरह से तेल में डालते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से फूल गया है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह से सारे भटूरे हम बना लेंगे। अब चलिए अपने छोले की तरफ देखते हैं। हमारे छोले भी रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं इस तरह से। इसका कलर बहुत ही अच्छा दिख रहा है। दोस्तों आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरी कोई भी न्यू वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए। अब हम इसको प्लेट में डेकोरेट कर लेते हैं। गार्निश के लिए धनिया यूज़ करें। ये देखिए इस तरह से आप दो तीन टुकड़े प्याज के रख देते हैं, जिससे ये डिश कंप्लीट होता है। अब आप सर्व करने के लिए तैयार है। तो चलिए हम इसको सर्व करते हैं। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट कीजिए दोस्तों। बाय बाय।